गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे L1 कोचिंग के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर L1 एस्पायर ऐप के माध्यम से। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के ही टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये टॉपिक अभी चलेगा, कुछ और दिन चलेगा, और कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं उसको भी हमें ख़त्म करना है। तब जाकर हम लोग सेकेंड टॉपिक पे जाएंगे, जो कि फर्स्ट टॉपिक का ही कंटिन्यूटी है। मैटर इन आवर सराउंडिंग के बाद ही आएगा मैटर अराउंड अस, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, अक्षय, शशिकांत, दिव्यांशु, वंदना, सुधीर अगेन, अभी एंड सुप्रीत सरोज। सुप्रीत सरोज मेरे ख्याल से आप नए हैं, तो ओके। शशि बाला सिंह, सर आई हैव अ क्वेश्चन। बिल्कुल, आप क्वेश्चन रेज करिए, क्वेश्चन आप पूछिए और जवाब देना मेरा काम है। तो आप तब तक क्वेश्चन टाइप करिए, तब तक मैं कुछ कुछ बेसिक बेसिक सी बातें आप लोग को बात बता देता हूँ। तो जैसे कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 12 होगा, और 11 लेक्चर्स हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। इन केस अगर आपका कोई लेक्चर छूट गया है या फिर अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया है, तो आप हमारे पुराने लेक्चर को देख सकते हैं। अगर L1 एस्पायर ऐप पर आपको हमारा पुराना लेक्चर नहीं दिख रहा है, तो आप हमारे टेक्निकल टीम से मैसेज करके जिस लेक्चर का आपको डिमांड करना है उसका आप लिंक ले सकते हैं और लेक्चर को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ममता, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, लेक्चर नंबर 12। और लेक्चर नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था? पहला चीज़ जो बताया था टेम्परेचर के बारे में। इनफैक्ट पिछले के पिछले लेक्चर से हम लोग टेम्परेचर के बारे में ही बात कर रहे हैं। और फिर वेरियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मैंने आपको बताया था। इम्पॉर्टेंट था कि अलग अलग स्केल में टेम्परेचर को कैसे चेंज करते हैं। मैंने तीन इक्वेशन आपको बताया था, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना, या सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना, दूसरा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना, और सेल्सियस से किससे, हाँ यही तो ना, और एक और मैंने बताया था कि फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना। तो ये अलग अलग तरीके से हम आपको बता चुके हैं कि कैसे टेम्परेचर को चेंज किया जाता है। सर, इज़ अ प्योर वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? शशि माला, अगर आपका ये सवाल है कि क्या प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसका आंसर है यस। प्योर वाटर, एकदम प्योर वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ आयन। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है और इसका आंसर सबको एकदम रट्टा होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। पर केवल को आंसर रटना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को, इसके पीछे के रीजन्स को भी समझिए। मैं रीजन्स आपको बता रहा हूँ। तो जो एकदम प्योर वाटर होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, समटाइम वी ऑल्सो कॉल इट एज अ डिस्टिल वाटर। तो जो डिस्टिल वाटर है ये एकदम प्योर वाटर है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। तो प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपी में लिख लीजिए, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन। अब इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं, वो भी ध्यान से सुनिएगा, कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ उसको मिल गया तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मस्ट है। तो फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू थिंग्स आर नीडेड है। सबसे पहला होता है, सॉरी, सबसे पहला होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चा? फ्री इलेक्ट्रॉन, कि अगर एटम है तो एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए। जैसे कि जितने भी मेटल होते हैं, सारे के सारे मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन की बात करिए, कॉपर की बात करिए, जिंक की बात करिए, एल्युमिनियम की बात करिए, तो सिल्वर गोल्ड की भी बात कर सकते हैं। सो मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चा? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जस्ट वेट अ मिनट।
सॉरी, मैटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और दूसरा जो इसको आवश्यकता होती है डेट इज कॉल्ड एज अ फ्री आयन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अगर आयन है तब भी करंट का फ्लो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने पानी में नमक घोल दिया, नमक का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl अगर प्योर फॉर्म में है या NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में है तो दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनिएगा बच्चा शशि एंड बाकी सुधीर, ध्यान से सुनिएगा। सो NaCl इन प्योर फॉर्म या NaCl इन सॉलिड फॉर्म इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि NaCl के पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना तो फ्री आयन है। पर जब हम लोग NaCl को वाटर में ऐड करते हैं या फिर NaCl को हम लोग मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो इस NaCl के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने बीकर में पानी लिया और इसमें NaCl डाल दिया, पानी में जाने के बाद NaCl जो है वो ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके बनाता है Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, और ये आयन जो होता है एकदम फ्री फॉर्म में हो जाता है, और इसी फ्री आयन की वजह से अब करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री आयन। अगर हम प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर में ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना तो फ्री आयन होता है। अगर हम इम्प्योरिटी की बात करते हैं तो इम्प्योर वाटर में सॉल्ट होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं, आयन जनरेट करते हैं। तो इस वजह से इम्प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा आप सुधीर कुछ बोल रहे हैं, उसकी बात को सुनते हैं। सर इफ देयर इज 1% ऑफ इम्प्योरिटी इन वाटर देन द वाटर इज गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर इम्प्योरिटी आ गई, चाहे 1% हो, चाहे 2% हो, चाहे 10% हो, अगर इम्प्योरिटी आ गई तो उस इम्प्योरिटी की वजह से आपको करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। समझ में आएगी बात शशि बाला, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। तो नोट कर लीजिएगा, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन। समझ में आया बच्चा, कोई और डाउट है इसमें तो बताइएगा। साहिल ने नोट कर लिया है, बाकी सारे बच्चे भी रिप्लाई करिए। ओके बच्चा बढ़िया, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वंदना आपने लिखा है सर, क्या लिखा है, 1, 2, 4 एटसेट्रा इन सिंपल, व्हाट इज इट्स मीन सिंबल, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है वंदना कि आप पूछना क्या चाह रही हैं, या तो आप क्लियर कट पूछिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप सवाल क्या है कि प्लस वन माइनस टू फोर एटसेट्रा इन एनी सिंबल व्हाट इट्स मीन सिंबल में प्लस वन। अच्छा अगर आप पूछ रहे हैं कि अगर सिंबल में प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू ये सब लिखा हुआ, जैसे कि आपने ये लिखा होगा, देखा होगा एन ए प्लस लिखा होगा, सी ए टू प्लस लिखा होगा, ये सब क्या है, तो ये चार्ज है, ये सब चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। कैल्शियम के ऊपर दो चार्ज है, या सोडियम के ऊपर एक चार्ज है, या आपने इसको ऐसे भी देखा होगा O2 माइनस ऑक्सीजन एटम के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, तो ये सब चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, दे रिप्रेजेंट द चार्ज, ठीक है, दे रिप्रेजेंट द चार्ज। अच्छा आज बच्चों के पास काफ़ी सवाल है, चलिए अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो ना तभी सवाल आता है। ममता ने कुछ सवाल पूछा है, सर नाइट्रोजन आप लिखना चाह रहे थे, पता नहीं क्या लिखना चाहते हैं, डाइट्रोजन डिटर्जेंट में पानी डालने पर उसमें से हीट क्यों निकलती है। अच्छा आप शायद पूछना चाह रहे हैं कि डिटर्जेंट में पानी डालने पर उस पर हीट क्यों निकलती है। असल में ये क्या होता है कि जब डिटर्जेंट में हम लोग पानी डालते हैं तो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और कुछ नहीं बच्चा, केमिकल रिएक्शंस की वजह से, ठीक है ना। वो आप लोग बाद में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। तो अगर किसी मिक्सिंग में या किसी हैपनिंग में हीट प्रोड्यूस हो रही या फिर ठंडा हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है।
साहिल, इफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर देन इट ब्रेक्स इन टू आयन. साहिल, अगर सर व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज जो होता है वो चार्ज होता है बच्चा, और क्या होता है चार्ज, जैसे कि प्लस माइनस चार्ज होता है. जैसे कि हम एक बात आपको बात करते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस होता है वो तीन तरह का होता है. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अभी कुछ भी कोई लिखेगा मत. अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस होता है वो तीन तरह का होता है, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है, या तो वो नेगेटिव चार्ज के साथ हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज के साथ हो सकता है. अब सवाल ये है कि ये चार्ज बनता कैसे है. तो चार्ज जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से बनता है. आपने पढ़ा होगा कि एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जो भी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है. इलेक्ट्रॉन पे हम लोग नेगेटिव चार्ज दे देते हैं और प्रोटॉन पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, और दोनों पे चार्ज बराबर होता है. इलेक्ट्रॉन पे वन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे वन पॉजिटिव होता है, और एटम के अंदर यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है. अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो कहने का मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो सब कुछ कैंसिल हो जाए, उठ के क्या बनेगा, जीरो, तो जीरो बन जाएगा. पर वहीं अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अनबैलेंस्ड है, तो वहाँ पे चार्ज आ जाएगा, और चार्ज दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है. पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, तब पॉजिटिव. और नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा, तब नेगेटिव. तो चार्ज ऐसे डेवलप होता है, और अगर एटम पे चार्ज आ गया तो सब्सटेंस पे भी चार्ज आ जाएगा. जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है, मतलब कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन प्रोटॉन की संख्या एक ज़्यादा है, इस वजह से प्लस वन. कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन प्रोटॉन की संख्या दो ज़्यादा है, इसलिए टू पॉजिटिव. ऑक्सीजन में प्रोटॉन के कंपैरिजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या दो ज़्यादा है, इसलिए दो नेगेटिव. तो इस तरीके से चार्ज क्रिएट होता है. अगर बराबर हो गया तो न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या यहाँ पर सब खिचड़ी बनाए हैं. इफ सॉल्ट, ओके, बता दिया सर. स्पेस में इवापरेशन होता है, ये तो स्पेस पे जाने के बाद ही पता चलेगा. ऑब्वियस ही बात है कि स्पेस में सन है, हीट हीट है, तो हीट की वजह से वहाँ पे इवापरेशन तो होगा ही होगा. ठीक है, इवापरेशन के लिए क्या चाहिए, केवल हीट चाहिए. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दिव्यांशु, ये बहुत बेसिक सी बात आप पूछ रहे हैं, इतना शर्मिंदा मुझे मत करिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप पूछ रहे हैं. सर, हाउ वी डिफ्रेंशिएट द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ वी डिफ्रेंशिएट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. सर, आई नो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन. ओके सर, मज़ा आया, वंदना. सर, इरेजर जो हम पेंसिल से लिखते हैं वो इरेज करते रहे, ये सब आप लोग क्या करोगे, फालतू फालतू बात आप कर रहे हो, ना लायक हो. सुप्रीता, ठीक है, वाइट करते हैं, तो क्या वो प्लेस वाइट करता है, इरेज वाइट करता है, ना लायक. ये सब तो कॉमन सी बात है कि वो वाइट नहीं करता है, वो क्या करता है, जो हमने लिखा है उसको हटाता है. वाइट तो पहले से ही पेपर रहता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. लेट्स वार्म अप योर ब्रेन. है एक सवाल देखिए और इस सवाल का हमें आंसर दीजिए. सवाल एकदम ये है, चलिए एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है. सुधीर, आप ये पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. डिफ्रेंशिएशन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो चार्ज पर आधारित होता है, कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो क्या होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रेफरेंस हम लोग चीज़ को क्रिएट करते हैं, तो पॉजिटिव में भी हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक रेफरेंस पॉजिटिव चार्ज बना दिया, और बोलते हैं कि जो भी चार्ज इससे रिपेल करेगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा. इसी तरीके से हम लोग चार्ज को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कुछ चार्ज को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ चार्ज को हम लोग नेगेटिव करते हैं. वैसे चार्ज का अगर डिफ्रेंशिएशन आपको जानना है तो ये फिजिक्स का पूरा एस्पेक्ट है. सिर्फ फिजिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, यहाँ पर आंसर सब देना स्टार्ट कर दिए हैं.
तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है? बिल्कुल सही, होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या होता है? बिल्कुल सही, ये भी है। और 310.15 केल्विन, क्या ये भी होता है? बिल्कुल सही, ये भी है। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल आर द करेक्ट आंसर। बस हमने क्या किया यहाँ पर, यूनिट को हमने चेंज कर दिया। आमतौर पे हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस से ही जानते हैं, पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। याद होगा कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री हो गया। तो अगर वो 100 डिग्री हो गया बॉडी का टेम्परेचर, समझ जाते हैं कि वो क्या है, फ़ारेनहाइट में कह रहा है बात। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तो काफ़ी ज़्यादा होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो हम लोग बोलते हैं खून उबलने लगेगा, पूरा का पूरा इवापरेशन हो जाएगा, स्पेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पर आपका पूरा खून उबल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। याद कर लीजिए, बस आपको बस मेमोरी पर्पज़ से मैंने यहाँ पर दिया है कि याद कर लीजिए आप इसको, कि तीनों में ये वैल्यूज होती हैं। सो शेल आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, शेल आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, से येस और नो, या अभी भी कुछ पूछना है? ना लाइको, ओके अक्षय, शशि, ओके अम्बरीश, सर स्पेस में ब्लड, ये अम्बरीश थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा ही पढ़ लिया है। ओ अच्छा, मुझे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 या 20 दिन पहले मैंने क्लास लिया था। बीच में थोड़ा सा अर्जेंसी की वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था। मुझे याद नहीं है कि पिछले क्लास में हमने अंत में आपको क्या बताया था, तो देखते हैं कि क्या हमने आपको बताया था, पर फिर भी हम चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ कैसे करेंगे? हमने यहीं से स्टार्ट किया था, कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए तीन स्टेट ऑफ मैटर इज़ इम्पॉर्टेंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, BEC के बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर द नॉन सो कॉमन स्टेट है। ये कॉमन स्टेट के फॉर्म में नहीं होता है, जो कॉमन है सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो येस, डेफिनेटली वी कैन कन्वर्ट द सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैस एंड वाइस वर्सा। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, और स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए हमारे पास कितना तरीका है? हमारे पास दो तरीका है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो हम लोग इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने से भी हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और प्रेशर के चेंज करने से भी हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जिसमें कि हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट किए थे, चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में सबसे पहला जो हमने आपको बताया था, दैट इज द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, कि अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, किसमें बच्चा, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे? टेम्परेचर बढ़ा के करेंगे। कैसे करेंगे बच्चा? टेम्परेचर बढ़ा के करेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? मेल्टिंग नाम देते हैं और फ्यूजन नाम देते हैं। क्या देते हैं? मेल्टिंग और फ्यूजन। और मेल्टिंग और फ्यूजन को हम लोग अगर डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, द फिनोमना इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, कि कोई ऐसा प्रक्रिया जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज कर रहा है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग मेल्टिंग का नाम देते हैं या फिर फ्यूजन का नाम देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूज मत होइएगा, मेल्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग, मेल्टिंग पॉइंट इज अ डिफरेंट थिंग। मेल्टिंग जो होता है वो एक प्रोसेस के बारे में बताता है, पर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक टेम्परेचर के बारे में बताता है, कि किस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट। ओके पढ़ा दिया है तो नोट कर लीजिए, द फिनोमेना इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, वेयर एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट। नोट कर लिया सबने? ओके बच्चा, मेरे ख्याल से मैंने ये बता दिया था। चलिए कोई बात नहीं, रिविजन ही हो तो हो रहा है, रिविजन करने में कौन सी बुराई है, भलाई तो है।
फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाता है। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, गिविंग यू अ मिनट ऑफ टाइम, नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, सेकेंड इज द लिक्विड चेंजेस इन टू गैस और वेपर। लिक्विड चेंजेस इन टू गैस और वेपर, लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, गैस और वेपर में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। आपको पता ही होगा कि ये गैस और वेपर में फर्क क्या होता है, वट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग गैस का नाम लिखते हैं, कभी कभी हम लोग वेपर का नाम लिखते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है बेटा, दोनों में फर्क क्या है? जैसे कि नाइट्रोजन के साथ हम लोग गैस लगाते हैं और वाटर के साथ हम लोग वेपर लगाते हैं, क्या वाटर गैस बोल सकते हैं या नाइट्रोजन वेपर बोल सकते हैं, हाँ या ना? तो बताइए क्या होता है ये डिफरेंस, देखें कौन कौन बता पाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, बता बच्चा। ओके, अम्बरीश ने कुछ लिखा है, वाटर इन गैसेस फॉर्म इज वेपर। क्यों हमने वाटर को गैसेस फॉर्म में वेपर का नाम दिया, वही तो सवाल है, वही तो सवाल है, क्यों हमने उसको वेपर नाम दिया है, यही तो सवाल हो गया, क्यों हमने उसको गैस नहीं बोला, वेपर क्यों बोल दिया? वेपर कंटेन्स वाटर ड्रॉप इन इट, नालायक बच्चा शशि बाला सिंह। ओके, कोई बात नहीं, कोशिश किया है, वेपर आफ्टर इवेपोरेशन। ओके सही है दिव्यांशु, थोड़ा सा करीब गए हैं आंसर के। वेपर इज अ सब्सटेंस दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज एंड लिक्विड फेज। अब ये तो बहुत ही खतरनाक आपने डेफिनेशन बोल दिया साहिल यादव, बड़ा खतरनाक तरह का डेफिनेशन हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस असल में रूम टेम्परेचर की वजह से क्रिएट होता है। वी ऑल नो दैट रूम टेम्परेचर इज रिगार्डेड एज 25 डिग्री सेल्सियस, होता है कि नहीं होता है? 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग रूम टेम्परेचर मानते हैं। अब इस 25 डिग्री टेम्परेचर पर कौन किस स्टेट में है? अगर कोई भी चीज़ रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर गैस के फॉर्म में है तो उसको हम लोग बोलते हैं गैस ही, उसको नाम देते हैं गैस, एट अ रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड एज गैस। पर अगर हम लोग वाटर की बात करें, देखिएगा वाटर की बात करें तो वाटर अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पर लेते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। जब उसको हम लोग हीट करते हैं तब जाके वो गैस में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, गैस में कन्वर्ट करता है। तो क्योंकि वाटर हीटेड फॉर्म में गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो दैट्स वाई वाटर इज रिगार्डेड एज वेपर, मतलब कि वेपर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, वो गैसेस फॉर्म में कब है, एलिवेटेड टेम्परेचर पर है, तो इसलिए उसको हम लोग वेपर नाम देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं कि वाटर जो होता है वो वेपर होता है क्योंकि उसमें हमने हीट प्रोवाइड किया है तब जाके वो वेपर में चेंज किया है। वही नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, वो जैसे भी है रूम टेम्परेचर पर वो वैसे ही रहेगा, गैसेस फॉर्म में रहेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं वो गैस है। तो यहाँ पे बस यही फर्क आ जाता है, लिख लीजिए इसको, तो गैस एंड वेपर, गैस एंड वेपर लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा कहीं पर कि आप लोग हमेशा याद रहे, गैस एंड वेपर, गैस एंड वेपर हैव अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, हैव अ वेरी स्लाइट डिफरेंस एंड डैट इज बिकॉज ऑफ द
टेम्परेचर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, दैट इज बिकॉज ऑफ योर टेम्परेचर, फुल स्टॉप. वेपर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. वेपर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर. वेयर एज गैस इज, गैस इज, गैस इज एज इट इज, गैस इज एज इट इज एट रूम टेम्परेचर. गैस इज एज इट इज एट रूम टेम्परेचर. तो अगर कोई चीज हीट करने के बाद, कोई चीज हीट करने के बाद गैस में कन्वर्ट करती है तो उसको हम लोग वेपर का नाम देते हैं. जैसे कि एक बच्चे ने लिखा था कि आफ्टर इवापरेशन, वेपर कब बनता है? इवापरेशन के बाद. वेपर आफ्टर इवापरेशन, दिव्यांशु वो सही बोल रहे थे कि वेपर जो होता है इवापरेशन के बाद ही बनता है. जब कोई लिक्विड इवापरेट करता है तो वो वेपर स्टेट में जाता है. व्हेन सम लिक्विड इवापरेट्स देन इट इज फॉर्म इन द वेपर स्टेट. समझ में आया सबको? सबको बात क्लियर हो गई ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए. बता बच्चा, यस और नो? तो चलिए इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं. लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर, इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन. और डेफिनेशन जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने आपको बता दिया था. द फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन. तो ये एक फिनोमेना का नाम है. बॉइलिंग इज अ फिनोमेना, इन द सेम वे वेपराइजेशन इज ऑल्सो अ फिनोमेना. जब लिक्विड हम लोग गैस और वेपर में कन्वर्ट करते हैं, और जिस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस और वेपर में चेंज करता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं. ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर हम लोग सेम लेके चलेंगे, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज अ नॉर्मल प्रेशर. तो जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात करते हैं, दैट इज 1 ATM. मैंने ये आपको पिछले क्लास में बता दिया था, तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. नोट कर लिया? से नोटेड. एक मिनट का समय देते हैं, जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिए. अच्छे अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और नंबर हम लोग अच्छा अच्छा लेके आएंगे. ओके. तीसरा है गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, मतलब कि रिवर्स की अगर बात करते हैं, गैस या वेपर. गैस और वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द वर्ड वेपर. गैस और वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड, उल्टा हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. और डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा. द प्रोसेस इन विच गैस और वेपर, गैस और वेपर चेंजेस इन टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वेर एज द टेम्परेचर एट विच गैस और वेपर चेंजेस इन टू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट. वैसे कोई नया टर्म नहीं है, कंडेंसेशन पॉइंट उसका उल्टा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा कंडेंसेशन पॉइंट.
एक बात हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी लिक्विड का, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके वेपर का या फिर उसके गैस का, वही आपका कंडेंसेशन पॉइंट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कंडेंसेशन पॉइंट भी हो जाएगा। दोनों वैल्यू सेम रहेगी, मतलब कि अगर बॉइलिंग हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, कंडेंसेशन भी होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। पूछ बच्चा दिव्यांशु एक क्वेश्चन, आप दो क्वेश्चन पूछिए, पर लॉजिकल क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट बराबर होता है, बस कंडीशन क्या रखना है कि प्रेशर सेम रखना है। 1 एटमॉस्फियर पर ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो 1 एटमॉस्फियर पर ही हम लोग कंडेंसेशन पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है? नोट कर लीजिएगा। तब तक देखते हैं कि दिव्यांशु कौन सा सवाल लेके आ रहे हैं। क्लासेस को हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, कि इंटरेक्टिव क्लास बनाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऑफलाइन क्लास का जो फीलिंग है, पूरा का पूरा फीलिंग हमें यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में दिखना चाहिए, और हम उसी तरीके से माहौल भी बनाते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं स्क्रीन के पीछे, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठे हुए हैं, सबकी सब एक एक क्वेश्चन टाइप करके हमें भेज रहे हैं। वैसे तो बच्चे हमारे सामने बैठे रहते हैं ऑफलाइन क्लास में, पर यहाँ पे स्क्रीन के पीछे हम इमेजिन करते हैं। ओके दिव्यांशु, सर प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन डिफरेंस इन गैस और वेपर। ओके बच्चा, तो मैं ये बोल रहा था कि गैस जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर उसी फॉर्म पर होता है, पर जो वेपर होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। कहने का मतलब वेपर इज प्रेजेंट इन एट दी एलिवेटेड टेम्परेचर, कि अगर हमने लिक्विड का टेम्परेचर हाई किया तब जाके वो गैस में कन्वर्ट हुआ, तब जाके वो गैस में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे गैस वर्ड का नाम ना यूज़ करके हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वेपर का नाम यूज़ करेंगे। किसका नाम यूज़ करेंगे? वेपर का नाम यूज़ करेंगे, बस डिफरेंस दिखाने के लिए कि गैस एक अलग चीज़ होती है और वेपर अलग चीज़ होती है। गैस रूम टेम्परेचर पर एज इट इज़ पाई जाती है, और वेपर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में है। वो गैस के फॉर्म में क्यों है? क्योंकि हमने वहाँ पर हीट प्रोवाइड किया, उसको हमने गर्म किया है, तब जाके वो गैस फॉर्म में चेंज करता है। तो हम एक ये बोल सकते हैं कि वेपर जो है वो अनस्टेबल फॉर्म है। वेपर क्या है बेटा? अनस्टेबल फॉर्म है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ दी ओनली डिफरेंस, दैट इज़ दी ओनली डिफरेंस, और कुछ नहीं डिफरेंस है। और फिर ये है लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड एंड दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। प्रोसेस और डेफिनेशन लिख लीजिए। द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग, वेयर एज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एक बात और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, वैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। आप मेल्ट थोड़ी हो करोगे, तो जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उसके लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। बस फर्क क्या है कि फ्री मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सॉलिड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो हम लोग लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। बस यही फ़र्क है, दोनों में वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू क्या है बेटा? बेटा सेम है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज़ यूज्ड फॉर दी सॉलिड, ये हम लोग सॉलिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट इज़ यूज्ड फॉर दी लिक्विड, ये हम लोग लिक्विड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चा, वेरी गुड बच्चा, संदीप जी समझ गए हैं और अक्षय भी नोट कर लिए हैं। बाकी सब सब बच्चे रिप्लाई करते रहिए, सब लोग रिप्लाई करते रहेंगे, चुपचाप से बैठेंगे नहीं। जब आप लोग रिप्लाई करते हैं तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी फील होती है। ओके बच्चा बढ़िया, तो ये मैंने चार प्रोसेस का नाम बता दिया है, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन। दो और प्रोसेस बचा हुआ है जो कि हम लोग टेम्परेचर के द्वारा हम लोग चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज
सब्लिमेशन, ये इम्पॉर्टेंट, इस पे सवाल पूछता है सब्लिमेशन। और ये होता क्या है, सॉलिड को अगर हम लोग गैस में चेंज करते हैं या फिर वेपर में चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। वैसे गैस ना यूज़ करके हम लोग वेपर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, पर गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, पर गैस भी हो सकता है। जैसे कि ड्राई आइस के केस में अगर देखते हैं, तो ड्राई आइस जो होता है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CO2, सॉलिड CO2 इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। तो जब सॉलिड जो होता है वो गैस में चेंज करता है डायरेक्टली, मतलब कि लिक्विड में नहीं जाएगा, सीधे सीधे किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं सब्लिमेशन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन है। और इसमें एग्जाम्पल नोट करिएगा कि वह चीज़ जो सब्लिमेशन को शो करता है, बताइए कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन सा सब्सटेंस सब्लिमेशन को शो करता है। एक बार देखना चाहते हैं कि आप लोग कौन कौन सा आंसर लिखते हो। राइट द डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट सब्सटेंस विच शोज सब्लिमेशन। जैसे कि मैंने आपको एक नाम बता दिया था, पहला हम लिखते हैं ड्राई आइस, इसी का कॉमन नेम है सॉलिड CO2। और कुछ है, कपूर, वेरी गुड। कपूर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कैम्फर। कैम्फर इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, कैम्फर। और कोई बच्चा, कपूर हो गया, कैम्फर हो गया, और कुछ नाम बताएं। वेरी गुड वंदना, आशुतोष। तो ड्राई आइस मैंने आपको बता दिया है और कैम्फर आपने बता दिया है। नेफ्थलीन बॉल, वेरी गुड, कीड़े मकोड़ों को मारने वाली बॉल, नेफ्थलीन बॉल, इसका तो यूज हम लोग करते हैं, नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल से मिलता जुलता नाम आता है, ये बी नहीं है बच्चा, ये सी है, तो ये सी हो गया। तो इससे मिलता जुलता नाम आता है एंथ्रासीन बॉल। अलमारी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलमारी में जो कीड़े रहते हैं वो लोग कपड़े को ख़राब कर सकते हैं या फिर चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। तो एंथ्रासीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल एक सफ़ेद कलर का बॉल की तरह होता है। फिर एक और बच्चे ने बोला अमोनियम क्लोराइड, यस अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ सब्लिमेबल सब्सटेंस। और कोई नाम आता है किसी को तो बताएं। एक और नाम इसमें लिखेंगे, फिर से मैंने एक डी लिख दिया, यहाँ पर होगा ई होगा। एक और बच्चे भूल गए हैं कि आयोडीन को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, आयोडीन इज ऑल्सो अ सब्लिमेबल सब्सटेंस। वेरी गुड साहिल, ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड CO2 होता है, फ्रोजन स्टेट में होता है। तो दीज आर द सब्लिमेबल सब्सटेंस, आयोडीन भी बच्चों ने बताया था, संदीप ने बताया था। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद में आने चाहिए कि ये सब आपका सब्लिमेबल सबलाइम करता है, दे ऑल सबलाइम। हीट देंगे तो सीधे सॉलिड से गैस में या फिर वेपर में कन्वर्ट करेगा। सर डायरेक्टली गैस में क्यों कन्वर्ट कर जाता है, क्योंकि असल में क्या होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और गैस में यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। पर अगर सॉलिड में पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमज़ोर होता है, अभी भी सॉलिड के फॉर्म में है पर पार्टिकल पार्टिकल के बीच के बीच का सेपरेशन फोर्स काफ़ी कम होता है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी इसको हीट देते हैं तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, थोड़ा सा भी हीट देने पर बहुत कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि लिक्विड में जाने के बजाय सीधे सीधे किस में चले जाते हैं, गैस में चले जाते हैं। दैट्स हाउ थिंग्स आर सबलाइम। अगला एक और है, अच्छा इसको मिटा देते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो हमने इसको मिटा दिया, या पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो सारा चीज़ जो मैटर करता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे मैटर करता है, हम कितना आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर कर रहे हैं या फिर मजबूत कर रहे हैं। अगर बहुत ही इजी वे में अगर हम कर जाते हैं तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि चीज़ें सबलाइम कर जाता है। नोट कर लिया सबने बच्चा,
ओके, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, और आते हैं अगले पर। गैस चेंजेस इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड एज डी सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। डी सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, ये याद करिएगा कि अगर हम लोग गैस को सीधे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग दो नाम दे सकते हैं। पहला नाम बोलते हैं डी सब्लिमेशन, मतलब कि सब्लिमेशन का उल्टा, या फिर इसको एक और नाम देते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज डिपोजिशन। कुछ किताबों में सब्लिमेशन करके लिख दिया है कि गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन होता है, बिल्कुल गलत है। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। अगर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन है तो इसका उल्टा सब्लिमेशन कैसे हो सकता है? तो वो गलत है। तो या तो हम लोग बोलेंगे डी सब्लिमेशन, या तो हम लोग क्या नाम देंगे? डिपोजिशन का नाम देंगे। तो दैट इज अ डिपोजिशन। द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इंटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। गैस चेंजेस इंटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। नोट इट डाउन, याद कर लीजिए डिपोजिशन क्या होता है। ओके, ममता कुछ सवाल पूछ रही है कि एंड प्रेशर डिक्रीज है। ठीक है बच्चा, हम अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जब प्रेशर के बारे में बात करेंगे तब हम उसको इंक्लूड करेंगे। अभी हम लोग केवल टेम्परेचर बेसिस पे कन्वर्जन कर रहे हैं। किस पर? टेम्परेचर बेसिस पे कन्वर्जन कर रहे हैं। जब प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब प्रेशर बेसिस पे भी चर्चा करेंगे। ओके साहिल, डिपोजिशन का एग्जाम्पल हो गया ना बच्चा, सॉलिड CO2। वैसे नॉर्मल जो CO2 होता है वो गैस फॉर्म में होता है। जब उसमें टेम्परेचर कम करते हैं, प्रेशर हाई करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द केस ऑफ डिपोजिशन, कन्वर्जन ऑफ गैशियस CO2 डायरेक्टली इंटू सॉलिड CO2 इज कॉल्ड एज अ डिपोजिशन। इजी सी बात है, इजी सी बात है। ओके, तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। आते हैं, देखिए यहाँ पर है सब्लिमेशन, है ये ड्राई आइस है, दिख रहा है एकदम कैसा दिख रहा है, एकदम रूई की तरह दिख रहा है और उस पर भाप निकल रहा है। दैट इज अ ड्राई आइस। और ड्राई आइस का हम लोग बहुत ज़्यादा जगह इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगह। जैसे अगर कहीं पर स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करना है, धुआं निकालना है, सफ़ेद रंग का धुआं निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग ड्राई आइस का पैकेट खोल देते हैं। ड्राई आइस जो होता है एकदम पैक फॉर्म में होता है, एकदम ठंडे फॉर्म में रहता है, उसको खोल देते हैं, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर हीट दे दीजिए, तुरंत वहाँ पे सफ़ेद रंग का धुआं निकलने लगता है। लगता है कि जादू हो रहा है, जादू की तरह दिखता है। आपको देखा ही होंगे कि स्टेज शो में जो धुआं निकलता है, सफ़ेद धुआं, वो सब इसी तरीके से निकालते हैं। और दूसरा जो ड्राई आइस का इस्तेमाल होता है वो स्टोरेज पर्पज़ से भी होता है। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हमें ठंडी चीज़ों का ट्रांसफ़र इधर से उधर करना होता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम करने के लिए हम लोग वहाँ पर ड्राई आइस रख देते हैं। तो ड्राई आइस क्या करता है? टेम्परेचर को घटाए रखता है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठंडी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ द डायग्राम ऑफ ड्राई आइस। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस? बेटा ड्राई आइस का टेम्परेचर कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आप जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, ये नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही करेंगे। जैसे कि आइस का टेम्परेचर क्या होता है? 0 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, -50 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस क्या है, 0 से कम होना चाहिए। वैसे ही ड्राई आइस में भी टेम्परेचर कुछ लेवल से कम होना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितना लेवल होता है, पर कम होना चाहिए। ड्राई आइस स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल सही शशि बालम, टेम्परेचर को स्टोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, टेम्परेचर आप देख लीजिएगा अम्बरीश एंड रेस्टोल कि टेम्परेचर क्या होता है। सर अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में ड्राई आइस का यूज़ होता है? बिल्कुल नहीं बच्चा, कोल्ड ड्रिंक में नॉर्मल आइस का यूज़ होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग फेस चेंज के बारे में जो हमने बात किया था उसका समरी करते हैं। जैसे कि देखिए समरी क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉलिड लिख देते हैं, आप भी ऐसे ही करते रहिए। फिर यहाँ पे बीच में हमने लिक्विड कर लिया, और फिर अंत में हमने यहाँ पर गैस कर लिया या फिर वेपर कर लिया, गैस या फिर वेपर।
सॉलिड को जब हम लोग लिक्विड में चेंज करते हैं देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. लिक्विड को जब हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज बॉइलिंग या वेपराइजेशन एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. जब गैस को हम लोग वापस लिक्विड में चेंज करते हैं दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. क्या नाम दे दिया? कंडेंसेशन का नाम दे दिया. और लिक्विड को जब हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग. पता ही है सबको, ये भी फ्रीजिंग बता दिया था. अब बस सम अप कर रहे हैं. कुछ और चीज़ मुझे आपको बताना है. क्या? सॉलिड को जब हम लोग डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया सब्लिमेशन. और जब गैस को हम लोग सीधे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं दिस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन. क्या नाम देते हैं इसको? डिपोजिशन का नाम दे देते हैं या डिसब्लिमेशन. ठीक है. अब इसमें कुछ और चीज़ हम ऐड करेंगे. देखिए क्या क्या चीज़ हम और ऐड करते हैं. जैसे कि सबसे पहला चीज़ हम ये करते हैं, सॉलिड से अगर हमें लिक्विड की तरफ जाना है और गैस की तरफ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को इनक्रीज करना पड़ेगा. जैसे जैसे टेम्परेचर इनक्रीज करेंगे वैसे वैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट करेगा या फिर वेपर में कन्वर्ट करेगा. तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. इसका उल्टा, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा. तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं राइट से हमें अगर लेफ्ट पर आना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज. एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड करते हैं, देखते हैं कुछ और कलर का हमें मिल जाएगा. तो अगर मिल जाते तो अच्छी बात है. ये सब हो गया, ये सब हो गया, ब्लू में कर देते हैं. जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है. और जब टेम्परेचर बढ़ता है बच्चा तब क्या होता है? इंटर पार्टिकल फोर्स डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करेगा. एंड इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीजेस, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. उसका उल्टा ऊपर लिख लीजिएगा. ठीक है. राइट से लेफ्ट पर आने पर इंटर पार्टिकल फोर्स इंक्रीज करेगा और स्पेस डिक्रीज करेगा. ठीक है. दैट इज द समरी ऑफ द फेज चेंज ड्यू टू टेम्परेचर. समरी ऑफ द फेज चेंज ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से ये समरी आ जाता है. इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए. लेटेंट हीट, संदीप अभी हम थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे या फिर हो सकता है कि कल के लेक्चर में हम आपको बताएंगे लेटेंट हीट. कल मेरा लेक्चर है तो कल के लेक्चर में हम लोग लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी हम लोग जानेंगे. ठीक है. लिक्विफिकेशन, हम सर कंडेंसेशन को लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं. बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, लिक्विफिकेशन भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप वेपर और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते दैट इज कॉल्ड एज लिक्विफिकेशन. यस वी कैन राइट इट एट, हम लिख सकते हैं कंडेंसेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विफिकेशन. ठीक है. नोट इट डाउन बच्चा, नोट इट डाउन बच्चा. इसी में जब हम लोग प्रेशर की बात करेंगे तो इसमें बस एक और एरो हम ऐड कर देंगे, वो बाद में ऐड करेंगे, पर आप इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लीजिए. गिविंग यू अ कपल ऑफ मिनट, प्लीज ड्रॉ इट प्रॉपरली इन योर कॉपी.
वेरी गुड बच्चा। अक्षय, अम्बरीश, साहिल, दिव्यांशु, वंदना, शशिकांत और बाकी बच्चों का क्या है? सबने नोट कर लिया अच्छे से? ओके बच्चा, मेरे ख्याल से हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, लेटेंट हीट के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज समय थोड़ा सा कम है, तो जितना समय है बचा हुआ है उसमें तो नहीं हो पाएगा, पर लेटेंट हीट एक बड़ा सा टॉपिक है। इसके पीछे का मेन जो प्रिंसिपल है उसके बारे में हमें बात करना, जो कि टाइम लेगा और प्रॉपर डायग्राम से हमें समझना है। तो लेटेंट हीट के बारे में हम लोग कल की लेक्चर में बात करेंगे, और कल के लेक्चर में लेटेंट हीट के बारे में बात करके प्रेशर का भी इफेक्ट हम लोग देख लेंगे। सब कुछ हो जाएगा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन ऑफ द फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस छोटे मोटे इवापोरेशन का एक टॉपिक बचेगा, और फिर प्लाज्मा एंड BEC के बारे में हमें बात करना है। तो कल के लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट हो गया है तो पूछ लीजिए, अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है। और वो जो चार्ज डिफरेंशिएशन वाला जो आपने सुधीर पूछा था, वो आप फिजिक्स की क्लास में उसको आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि चार्ज का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, चार्ज को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि अगर इस नेचर का चार्ज है तो पॉजिटिव होगा, और अगर दूसरे नेचर का चार्ज है तो नेगेटिव होगा। केवल दो ही चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और वो भी किस आधार पर है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रॉन पे हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, उसका अपोजिट चार्ज होता है प्रोटॉन पे। ठीक है, तो इस वजह से हमने चार्ज को डिफ्रेंशिएट किया है। यहीं से बेसिक डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होता है, उसके बाद किस पर पॉजिटिव चार्ज है किस पर नेगेटिव चार्ज है वो इस बात पे निर्भर करता है कि कहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है या कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर, और आई होप आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। पर आपको रिवाइज़ करना मैंडेटरी है, क्लास ख़त्म हो गया है तो पढ़ाई ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आप बैठ कर 10 मिनट एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, और रिवाइज़ करने के बाद फिर अपना जो भी काम आपको करना है वो काम करिए। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेटेंट हीट के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जानेंगे कि क्या होता है लेटेंट हीट, क्यों होता है लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट का हमें क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। Oh yeah.